अग्निवीर बनने के लिए मैदान में पसीना बहा रहे हैं लोहाघाट के युवा। जी हां, 1 नवंबर से 10 नवंबर तक चंपावत जिले के सेना भर्ती परिसर बनबसा में आयोजित होने जा रही अग्निवीर भर्ती के लिए लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों युवा पसीना बहाने में जुटे हुए हैं। लोहाघाट के छमनिया स्टेडियम में सैकड़ों युवा सुबह शाम पूर्व सैनिक मयंक ओली के दिशा निर्देश में फिजिकल ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। आपको बता दें, पूर्व सैनिक मयंक ओली के द्वारा अपनी एकेडमी में युवाओं को निशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग की शिक्षा देकर उन्हें अग्निवीर बनने और सेना में भर्ती करने के लिए तैयार किया जाता है। ट्रेनर मयंक ओली ने बताया कि युवाओं को 1600 मीटर की दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप और अन्य क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जा रही है और ट्रेनिंग देकर उन्हें ट्रेंड किया जा रहा है ताकि क्षेत्र के अधिक से अधिक युवा अग्निवीर बनकर देश की सेवा कर सके। उधर लोहाघाट के युवाओं में अग्निवीर भर्ती को लेकर काफी जोश दिखाई दे रहा है। युवाओं का कहना है कि भारतीय सेना में जाना उनका सपना है। उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सतीश पांडे और भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सचिन जोशी ने पूर्व सैनिक ओली के प्रयासों की सराहना की है और साथ ही साथ उन्हें हर मामले में सहयोग देने का भरोसा दिलाया है और ट्रेनिंग ले रहे युवाओं को भर्ती के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। जो मयंक ओली जी के द्वारा जो यहाँ पर अकादमी चलाई जा रही है युवाओं के लिए भर्ती सहित विशेष जो खेल के क्षेत्र में आज अनेक जो यहाँ पर प्रतियोगिताएँ कराई जाती हैं, उनकी तैयारियाँ जो की जाती हैं, निश्चित रूप से हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे युवा मयंक ओली जैसे लोग यहाँ पर हमारे हैं। आज जो नशे के खिलाफ आज जो युवाओं में खेल की भावना जागृत कर रहे हैं, आज निश्चित रूप से जो पार्टी बालाकोट दूरस्थ क्षेत्र से भी लोग यहाँ आकर इस जो दौड़ हुई है 1600 मीटर की, इसमें प्रतिभाग किया है, निश्चित रूप से यह एक अच्छा संदेश आज जो स्टेडियम बना है इसका यह साकार सपना होता दिख रहा है और आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर इसी तरह आने वाले हमारे जो युवा हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, उसको नशे से दूर कर खेलों की ओर उनका ध्यान बढ़ाएंगे और इसी तरह अग्निवीर परीक्षा में जो यहाँ के युवा जा रहे हैं अधिक से अधिक संख्या में वो यहाँ से प्रतिभाग करें और वह चयनित हुए, ऐसी शुभकामनाएं। तो हम भी ऐसा चाहते हैं कि आप जो क्षेत्र के लिए कार्य इस समय कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ पिछली बार भी काफ़ी बच्चे अग्निवीर में भी यहाँ से निकले हैं और आशा करता हूँ कि आप इनको अन्य इनका बौद्धिक और मानसिक विकास करें, जिसके लिए जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी हम करेंगे, क्योंकि आज समाज में दिशा दिखाने के लिए आप जैसे लोगों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि युवा वर्ग भटक रहा है, खासतौर पर हमारे चंपावत जनपद का। मैं युवाओं को आह्वान करना चाहता हूँ कि इस एकेडमी से जुड़ें, जो निःशुल्क है, निस्वार्थ है, तो यहाँ पर इसका जितना भी हम लोग लाभ ये युवा ले पाए वो लें। और मैं पुनः सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उधर प्रशासन के द्वारा भर्ती की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है ताकि भर्ती के लिए और टेस्ट के लिए पहुंचे वहां युवाओं को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। यूपी न्यूज 9 के लिए लोहाघाट से लक्ष्मण सिंह बिस्ट की रिपोर्ट।